अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है, न्यू पार्क सर्जिकल से, और आज हमारे पास ये पेशेंट लिफ्टर है जिसकी बहुत सी क्वायरीज आई थी हमें ऑनलाइन कि इस पेशेंट लिफ्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट को गाड़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए, और इस तरह के दीगर और सवाल थे जिसका आज मैं जवाब दूँगा। हम आपको बताएँगे कि इस लिफ्टर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ जो स्लिंग और हार्डनेस है वो किस तरह पेशेंट के ऊपर हम अटैच करते हैं, और किस तरह हम इसके ज़रिए हम पेशेंट को गाड़ी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ कमर भाई हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, और मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल हैं उनके हम जवाब दे सकते हैं। ये है हमारी स्लिंग जिसको पेशेंट हार्नेस भी कहते हैं, और इसको अटैच करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि हमने आपको दिखाया है, ये एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये आपके दो लूप्स हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड पे एक स्टील लूप है, इसके थ्रू आपने ये गुजारना है और इस तरह आपका ये आ जाएगा, और फिर सेम दूसरी साइड से इस तरह आपके ये हार्नेस बन गया है, और ये इस तरह एक्ट करेगा जिस तरह आप पेशेंट को पीछे वाली साइड से शोल्डर से पकड़ के इनको उठा रहे हैं। अब ये आपका लिफ्टर है, लिफ्टर को ऑन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक ऑप्शन आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक वर्टिकल पावर ऑप्शन है जो लिफ्टिंग की है, और फिर दूसरी एक हॉरिजॉन्टल है, वाइड करके पेशेंट की तरफ आप लिफ्टर जो है वो मूव कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने लिफ्टर को सेट कर दिया उस पोजीशन में, फिर हमने व्हील के ऊपर लॉक लगा देना ताकि फिर लिफ्टर लॉक हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक फुट प्लेसमेंट है जहाँ आप यूज़र के पैर उठाकर इस फुट प्लेसमेंट के अंदर प्लेस कर देंगे। आप लिफ्टर को और अंदर पुश कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके बैंड्स हैं उनको आप लिफ्ट करके पेशेंट को थोड़ा सा सहारा देके उस बैंड के अंदर बंद कर सकते हैं। पेशेंट को थोड़ा सा सहारा देके आप इस बैंड को इसके अंदर लॉक कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो जगह है आपने इसको सिक्योरली लॉक करना है। ये जो है ये एक कंपार्टमेंट है जहां पेशेंट की जो शिन्स हैं, नीज़ हैं, वो यहां पे आ जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अपनी सीट से रिमूव हो चुके हैं, अब इसके ज़रिए हम इनको मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स प्रिज्यूम कि आपने अपने पेशेंट को एक ऐसी गाड़ी से बाहर निकालना है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, मतलब वो ज़मीन से ज़्यादा हाइट पे हो। तो सिंपली आपने करना ये है कि आपके जो हार्नेस है, जिस तरह का तरीका समझाया था हमने, आपने सिंपली उसको तीन स्टेप या चार स्टेप डाउन डिपेंडिंग ऑन द हाइट करके आपने पेशेंट के ऊपर वो स्ट्रैप कर देना।